So characteristics polynomial of a second order system is basically a quadratic equation. तो सिंपल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी हमने देखी है. तो इसके जो सा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो सा वो दो रूट्स हम निकाल सकते हैं S1 एंड S2. ओके, सो जनरलाइज्ड हम स्टेबल सिस्टम की बात करें तो S1 और S2 की वैल्यू जो सा वो हमेशा माइनस समथिंग होगी. ओके, तो ये जो S1 और S2 रूट्स की वैल्यूज हैं, सो दोज रूट रूट वैल्यूज विल बी those will be negative roots. okay, so यहाँ पे फिर जब negative roots हम put करेंगे तो automatically this will become factors of s plus something and s plus something. okay, so इसलिए यहाँ पे हमने जो सा वो basically s में से root की value को minus कर रहे हैं, so, and root value is itself negative. so this जब हम characteristics polynomial की बात करेंगे तो इसके factors पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ आते हैं. ओके, सो जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को जनरेट कर रहा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो है ये बेसिकली नेचुरल कंपोनेंट जो है वो सिस्टम का डिफाइन करेंगे. तो ये पहले भी हम देख चुके हुए हैं कि नेचुरल रिस्पॉन्स जो है या नेचुरल कॉम्पोनेंट जो है रिस्पॉन्स का, दैट इज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट. ओके, ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है इसके जो रूट्स हैं, सो बेसिकली इन रूट्स की वजह से नेचुरल रिस्पांस आता है. और अगर जो सा यही सारे रूट्स हमारे पास, अगर हम इनको प्लॉट करें, बेसिकली ये पोल्स हैं, तो इन पोल्स को अगर हम प्लॉट करें और ये सारे पोल्स अगर LHP में है, लेफ्ट हाफ प्लेन में. ओके, सो ये इमेजिनरी एक्सिस था एंड ये रियल एक्सिस था, दिस वॉज LHP. तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स LHP में आते हैं तो देन दे विल फोर्स द सिस्टम टू बी स्टेबल, बिकॉज LHP में आने की वजह से, पोल्स के या रूट्स के LHP में आने की वजह से हमारे पास हमेशा e^-something की जो टर्म है वो बेसिकली जनरेट होगी रिस्पॉन्स के अंदर. तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल जनरेट होगा जो कि हमेशा डिके कर रहा होगा जीरो की तरफ. तो जीरो पे डिके करने का मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स के ये नेचुरल रिस्पॉन्स फाइनली स्टेबल हो रहा है, तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है. तो ये हमने ऑलरेडी इस तरह के तीन केसेस देखे भी हैं पहले कि क्या क्या रूट्स होते हैं और किस तरह के जो सा वो टर्म्स बन रही हैं. जैसा कि हमने ये केस देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में, ये तो खैर फर्स्ट ऑर्डर का है, इसमें एक रूट है यहाँ पे लेट से के एस प्लस बी सेकेंड फैक्टर पे सेकेंड ऑर्डर हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं नेगेटिव रूट्स आ रहे थे, माइनस ए और माइनस बी दो नेगेटिव रूट आते, तो दे आर जनरेटिंग बेसिकली डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी और दूसरा के ई रेज़ पावर माइनस बी टी बनता. ओके, सो मतलब लेट से कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि माइनस बी आता, तो दो अब रूट्स हैं, दोनों LHP में, दोनों नेगेटिव हैं, तो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी की वजह से ये टर्म आ रही है, और ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी की वजह से यहाँ पे एक और ग्राफ एंटर हो सकता है इस तरह से. ओके, सो अब आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास फिर जब रूट्स LHP में हैं, सो दे आर जनरेटिंग डिकेइंग एक्सपोनेंशियल. इसी तरह से फिर हमने एक ये भी केस देखा था, यहाँ पे भी अगर हमारे पास रिपीटिंग रूट्स हों तो रिपीटेड रूट्स में भी दोनों नेगेटिव रूट्स थे, तो उसके अंदर भी हमने देखा था केस में, देख रहे हैं कि ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो को डिके करता है. इस तरह से हमने फिर एक ये भी केस देखा था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स निकले, तो इसमें इनका दोनों का जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव था जिसकी वजह से ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी का फैक्टर इसमें आता है, और ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी के फैक्टर की वजह से ये डिले इसमें डिके आ रहा था नेचुरल रिस्पॉन्स. सो ये बात यहाँ पे हो रही है कि LHP में आने वाले बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं या पोल्स हैं वो ई रेज़ टू पावर माइनस ए नॉट ए टी का जो है वो फंक्शन जनरेट करते हैं, जो कि और जो कि LHP के सारे जो रूट्स हैं दे फोर्स नेचुरल रिस्पॉन्स टू डिके टू जीरो. ओके, सो दे डिके टू जीरो करने का मतलब क्या है कि सिस्टम इज स्टेबल. ओके, सो सिस्टम इज गोइंग टू स्टेबिलिटी. तो अगर ये राइज कर रहा होता, राइजिंग एक्सपोनेंशियल होता, तो तब सिस्टम अनस्टेबल होता. ओके, सो ड्यू टू डिके ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी, सो ऑल पोल्स LHP पोल्स आर बेसिकली फोर्सिंग द सिस्टम टू बी स्टेबल. ओके, और अब हम जनरलाइज्ड अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को देखते हुए हम बता सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कब स्टेबल होगा, व्हेन
बोथ ए वन एंड ए नॉट आर ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो. ओके, सो ए नॉट को और ए वन को मस्ट है कि ये दोनों कोफिशेंट्स जो हैं ये ग्रेटर देन जीरो हों, मीन्स के पॉजिटिव हों, नॉन जीरो हों और पॉजिटिव हों, तो तब हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबल होगा. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैन ओनली बी ग्रंटेड, सिर्फ हम जो सा वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को देखते हुए भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की स्टेबिलिटी बता सकते हैं. एंड दैट इज ऑल पॉइंट्स के हमने देखा कि कैसे जो सा वो स्टेबल होगा. सो दीज टू कंडीशन आर कंपल्सरी टू सेटिस्फाई इफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज स्टेबल. तो कोई एक भी अगर ए नॉट या ए वन में से कोई एक भी जीरो हो जाता है या नेगेटिव हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा. ओके, सो दैट दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम.